नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इनकम टैक्स विभाग ने संदिग्ध कर चोरी को लेकर बेंगलुरु में 2 नागरिक ठेकेदारों के 25 स्थानों पर छापेमारी करके तलाशी ली है। बेंगलुरु में गुरुवार आधी रात को आयकर विभाग की छापेमारी में एक फ्लैट से करोड़ों रुपए जब्त किए हैं। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि आयकर विभाग के अधिकारियों को बेंगलुरु के एक फ्लैट में बिस्तर के नीचे करोड़ों की नकदी मिली है। आईटी अधिकारी मामले के संबंध में एक पूर्व महिला पार्षद और उसके पति से पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों ने कहा कि 5 राज्यों खासकर राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए फंडिंग के लिए बेंगलुरु में सोने के आभूषण विक्रेताओं और अन्य स्रोतों से बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा किया जा रहा है। इस संबंध में सूचना मिलने पर आईटी विभाग शहर में छापेमारी कर रहा है। आईटी नगर के पास आत्मानंद कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में गुरुवार देर रात की गई छापेमारी के दौरान 42 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। सूत्रों ने बताया कि बिस्तर के नीचे 23 बक्सों में 42 करोड़ रुपए के मूल्य के 500 रुपए के नोट रखे हुए थे। सूचना मिलने के बाद आईटी अधिकारियों ने आईटी नगर में 2 स्थानों पर छापेमारी की थी। उन्हें एक स्थान पर नकदी मिली है। सूत्रों ने बताया कि फ्लैट खाली था, वहां कोई नहीं रहता है। हालांकि आईटी अधिकारी फ्लैट मालिक के विवरण के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। घटनाक्रम के बाद आईटी अधिकारी पूर्व पार्षद और उनके पति से उनके आवास पर पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्षद का पति एक ठेकेदार है, वह ठेकेदार संघ का हिस्सा है जिसने पिछली भाजपा सरकार पर परियोजनाओं पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। ठेकेदार ने कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। घटना के संबंध में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है। तब तक की सबसे बड़ी खबर बता रही है बेंगलुरु में देर रात दोस्तों इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। लगभग दोस्तों 42 करोड़ रुपए कैश जब्त कर दिए गए और ये सभी रुपए 23 बक्सों में पाए गए हैं, जिसके बाद अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। फिलहाल दोस्तों इनकम टैक्स अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहा है। अब तक की बड़ी खबर।